आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च हुआ। दोपहर 2:35 पर राकेट चांद को छूने के लिए उड़ गया। चंद्रयान मिशन भारत के लिए बेहद खास है। यह उसे उन सबसे शक्तिशाली देशों के क्लब में खड़ा कर देगा जो अब तक चांद पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं। इनमें अमेरिका, रूस, चीन शामिल है। भारत के लिए यह मिशन बेहद खास है। चंद्रयान मिशन 2 में उसे असफलता हाथ लगी थी। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए इसरो ने हर पहलू पर ध्यान दिया है। उसने चंद्रयान 2 मिशन की गलतियों से काफी सबक सीखे हैं। वह पिछली गलतियों को किसी भी हाल में दोहराने के मूड में नहीं है। उसने पूरे एहतियात के साथ मिशन को प्लान किया है। पहला है पृथ्वी केंद्रित चरण, यानी धरती पर होने वाले काम। इनमें 3 स्टेज आते हैं। पहला लॉन्च से पहले का स्टेज, दूसरा लॉन्च और रॉकेट को अंतरिक्ष तक ले जाना, और तीसरा धरती की अलग अलग कक्षाओं में चंद्रयान 3 को आगे बढ़ाना। इस दौरान चंद्रयान 3 करीब 6 चक्कर धरती के चारों तरफ लगाएगा, फिर वह दूसरे फेज की तरफ बढ़ जाएगा। दूसरा चरण है लूनर ट्रांसफर फेज, यानी चंद्रमा की तरफ भेजने का काम। इस फेज में ट्रेजेक्टरी का ट्रांसफर किया जाता है, यानी स्पेसक्राफ्ट लंबे से सोलर ऑर्बिट से होते हुए चंद्रमा की ओर बढ़ने लगता है। तीसरा चरण लूनर ऑर्बिट इंसन फेज, यानी चांद की कक्षा में चंद्रयान 3 को भेजा जाएगा। चौथा चरण, इसमें 7 से 8 बार ऑर्बिट मैन्यूवर करके चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊंची कक्षा में चक्कर लगाना शुरू कर देगा। पांचवें चरण में प्रोपेलेशन मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल एक दूसरे से अलग होंगे। छठा चरण डी बूस्ट, यानी जिस दिशा में जा रहे हैं उसमें गति को कम करना। सातवां चरण प्री लैंडिंग फेज, यानी लैंडिंग से ठीक पहले की स्थिति लैंडिंग की तैयारी की शुरू की जाएगी। आठवां चरण जिसमें लैंडिंग कराई जाएगी। नौवां चरण लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर पहुंचकर सामान्य हो रहे होंगे। दसवां चरण पॉपुलेशन मॉड्यूल का चंद्रमा की 100 किलोमीटर की कक्षा में वापस पहुंचना। 45 से 50 दिन लगेंगे लैंडर को चांद की सतह पर पहुंचने में। इन सभी चरणों को पूरा करने में, यानी 14 जुलाई 2023 की लॉन्चिंग से लेकर लैंडर और रोवर के चांद की सतह पर उतरने में करीब 45 से 50 दिन लगेंगे। चंद्रयान 3 मिशन के तहत चंद्रमा के चट्टानों की ऊपरी परत की थर्मोफिजिकल विशेषताएं, चंद्रमा पर भूकंप आने की प्रवणता, चंद्रमा की सतह पर प्लाज्मा वातावरण और उपकरण उतारे जाने वाले स्थान के निकट तत्वों की संरचना का अध्ययन करने वाले उपकरण भेजे जाएंगे।